चलो अब आज गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। हाँ तो आज क्या करना है आपको, स्वाध्याय है ना। स्वाध्याय में क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 17 में निवास, उसका स्वाध्याय पेज नंबर 41 पर स्वाध्याय है ना। ये तो इसमें ऐसा है, चित्रों को देखकर वाक्य पूर्ण करो। तो पहला इसमें लिखा है, तो मैं ये बताता हूं आपको किस तरह करना है। पहले ये कबूतर का चित्र दिया है खाली जगह, और लिखा है दरबे में, लिखा है दरबे में लिखा है, तो चित्र है कबूतर का, और इसमें लिखा है पहले खाली जगह दिया है और दरबे में रहता है। बराबर ध्यान से, दरबे में रहता है। तो आपको इधर से ये ढूंढना है, तो इधर लिखा है खाली जगह दरबे में रहता है, तो आप चित्र है कबूतर का, तो आपको क्या लिखना है, कबूतर। इधर ये खाली जगह में कबूतर लिखना है। कबूतर दरबे में रहता है, तो आपको ये खाली जगह पर कबूतर, ठीक है। दूसरा है खाली जगह जंगल में रहता है, ठीक है। तो कौन है ये चित्र में, हाथी है ना, तो हाथी जंगल में रहता है। अगर क्या लिखना है आपको, हाथी आप इस प्रकार लिखिए नोटबुक में, जैसे मैं बताता हूं इस तरह आपको नोटबुक में लिखना है। तीसरा है खाली जगह पानी में रहता है, उसमें क्या लिखा है, मगर पानी में तथा जमीन पर रहता है ना। लेकिन इसमें हम लिखेंगे ये मगर पानी में रहता है, तो पहले लिखेंगे पानी में रहता, पानी में कौन रहता है, मगर पानी में रहता है। बराबर किया मगर, ठीक है। और नंबर 4 पर है खाली जगह पिंजड़े में रहता है, तो ये खाली पिंजड़े में, पिंजड़े में रहता है। तो इधर लिखेंगे तोता, कौन रहता है पिंजरे में, तोता, तोता पे ठीक है, तोता हाँ सबने देखा है पिंजरे में रहता है, जंगल में भी होता है, पेड़ पर बैठते हैं, पेड़ पेड़ की बकौल में रहते हैं, जिससे आवाज उसकी कैसी है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या क्या करते हैं, टाव टाय 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 है ना। तो तोता पिंजरे में,
अगेन खाली जगह बीम में रहता है, बीम में रहता है। तो बीम में कौन रहता है? सांप, सांप स्नेक, सांप बिल में रहता है। ठीक है, खाली जगह घोंसले में रहती है। घोंसले, घोंसले में रहती है। तो कौन होता है इधर? चिड़िया। याद है सर, पक्षी हो, पक्षी होता है चिड़िया, पक्षी, पक्षी घोंसले में रहते हैं। ठीक है, और खाली जगह घर में रहता है तो घर में रहता है। तो कौन होता है घर में? कौन रहता है? मनुष्य। और लास्ट में खाली जगह पेड़ पर रहता है कौन? सबको मालूम है पेड़ पर कौन रहता है? बंदर। तो खाली जगह पेड़ पर, पेड़ पर रहता है। तो रहेगा बंदर, बंदर पेड़ पर रहता। इस तरह आपको ये खाली जगह है उसमें जो चित्र है, तो इधर कबूतर लिखना है, इधर हाथी, मगर, तोता, सांप, पक्षी, मनुष्य और बंदर, जैसे मैंने बाढ़ में लिखकर बताया। तो आप इस तरह ये टेक्स्ट बुक में इतना ये चित्र है वैसे लिख दीजिए, और नोटबुक में भी ये पूरा लिखना। ठीक है, और दूसरी बात नोटबुक में आप लिखे तो इसमें चित्र, तो हाथी का चित्र होना चाहिए, है ना? करेंगे आप ऐसे हाथी ड्रॉ कर सकते हैं, और अच्छा बना रहे हैं। ये मेरे से वो फास्ट नहीं कर रहे, अच्छा चित्र बना सकते इधर या ये साइड पर, तो चित्र बना के रखेंगे। देखो ऐसे ऐसा भी रख सकते, और ये मगर, तो मगर का चित्र कैसा होता है? वो भी आपको बोलना है।
समुद्र का चित्र बना सकते हो, ऐसा कौन कौन लोग हो सकते हैं? और तोता, तो तोता का चित्र ऐसे बनाते हैं। सभी बना सकते हैं। और सब मनुष्य अरे ये पक्षी पक्षी और इधर मनुष्य ऐसा भी बना ऐसा। और बंदर, बंदर को कैसा बनाना है? ऐसे उसका मुंह ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है। तो बंदर ऐसा नहीं होता है, कुछ बंदर काली मुंह वाले होते हैं जो लोग तो ऐसे चित्र आपका अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो कोई चित्र लेके
चिपका दीजिए, लेकिन इस तरह नोटबुक में आप अच्छी तरह से करें, ठीक है। आपका ये चित्र बना के चिपका रहा है नोटबुक, ठीक है। आप ये इधर हम ये स्वाध्याय खत्म करते हैं, फिर आगे है प्रार्थना पोएम है, बराबर। तो अगले वीडियो में हम ये चलाएंगे, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट नोटबुक में करना है, ओके, बाय।